मौनी अमावस्या की शुरुआत 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगी और समापन 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर होगा। इस दिन स्नान और दान का काफी महत्व होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या यानी मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर है। खुशनुमा मौसम होते ही माघ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर बुधवार की रात्रि से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि मौनी अमावस्या पर्व पर जो भी स्नान ध्यान करता है उसके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। मौनी अमावस्या पर स्वर्गलोक से देवता भी संगम में स्नान करने आते हैं। दंडी सन्यासी के पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर संगम में स्नान करने से जाने अनजाने में हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पवित्र पल मनुष्य को आत्मशुद्धि का सुअवसर प्रदान करता है। उक्त विधि पर तन मन और वाणी को पवित्र रखना चाहिए। शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं तो वो अपने विचारों को शुद्ध रखे। अमावस्या का परम पावन महापर्व तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पे सारे देवताओं के उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। यह ऐसा पर्व है मौनी अमावस्या को भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों देवता त्रिवेणी की धाराओं में बैठ करके मौन रह करके स्नान करते हैं। इसलिए लिखा है कि मौनी अमावस्या को प्रत्येक साधक को, कल्पवासी को, संत को, महात्मा को, विद्वान को, साहित्यकार को, राजनेता को, अधिवक्ता को, सबको घर में स्नान करके चंदन इत्यादि लगा करके मंत्रों का जप करते हुए मन में आकर के त्रिवेणी में डुबकी लगानी चाहिए और 7 बार सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद अपने वस्त्रों का प्रक्षालन वहाँ नगर के जो भी दान पुण्य संभव हो उसमें अन्न का दान, वस्त्र का दान, फल का दान, तिल तैल्य का दान, वस्तुओं का दान, स्वर्णादिक का दान, आभूषणों का दान भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त प्रकार की आपदाएं समाप्त होती हैं। मौनी अमावस्या का यह एक ऐसा पर्व है जिसके स्नान मात्र से संपूर्ण कल्पवास का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसमें मौन रह करके, क्योंकि मौन जप करने का जो फल है वह अनंत गुणा होता है, तो पूरे कल्पवास का एक विशेष पर्व है मौनी अमावस्या, जो लग चुका है लोगों को लाभ देने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त के ही बेलाओं से स्नान प्रारंभ हो जाएगा। उदयातिथि में मौनी अमावस्या है, इसलिए पूरे दिन लाभ के योग बने रहेंगे। सर्वासिद्ध योग, अभिजित योगों के साथ अमृत योग का जो लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है उसमें त्रिवेणी में स्नान करें, गंगा का पूजन करें, माँ यमुना का पूजन करें, सरस्वती का पूजन करें, अपने श्रीदेवता का पूजन करें, शालिग्राम की पूजा और भगवान शिव का अभिषेक करके अपने अनुष्ठानों को पूर्ण करें, जिससे यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति शतम, जो भी चाहते हो वह उन्हें प्राप्त हो जाएगा। कुछ संदेह नहीं, क्योंकि माघ मकर रवि गति जब होई तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन खर फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। सारे सूलों को समाप्त करने वाली, सारी सिद्धियों को, सर्विद्धियों को देने वाली मातृवेणी है मौनी अमावस्या का। बहुत ही सुखद पर्व आया हुआ है, इसमें डुबकी लगाने से सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। मौनी अमावस्या के मद्देनजर मेला प्रशासन, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस प्रशासन के व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वाहनों को बकायदा वाहन स्टैंडों पर खड़ा करने की व्यवस्था है और डायवर्जन की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु या स्नानार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। वहीं रेलवे एवं रोडवेज ने भी श्रद्धालुओं को ले आने व ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। एक व्यापक सुरक्षा योजना, वृहद सुरक्षा योजना बनाकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आवागमन के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम श्रद्धालुओं को उनके आने जाने के मार्गों के बारे में, विभिन्न पार्किंग स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जल में सुरक्षा के व्यापक उपक्रम किए गए हैं। सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ जाल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, जल पुलिस के लोग, SDRF की टीम और इवन NDRF की टीम भी जल में मौजूद है। एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना जल में ही की गई है। राजपत्रित पुलिस अधिकारी, डिप्टी SP रैंक के एक अधिकारी जल में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए हैं। मेले में 14 थानों का सृजन किया गया है, 41 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार क्रियाशील है। CCTV कैमरों के माध्यम से, बॉडी वोर्न कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार फीड ली जा रही है।
मेले में कोई अपने परिवार के साथ बिछुड़ जाए तो उस उद्देश्य से उसको परिजनों से मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ चूँकि महिला श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में लगाई गई हैं। महिला पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में भी घूम रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ATS के कमांडोज भी मौजूद हैं, RAF की टीमें भी मौजूद हैं, SCF की टीमें भी लगी हुई हैं। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं।